सुजानगढ़ में अग्रवाल समाज की कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा बुधवार को अग्रसेन भवन से कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर अग्रवाल परिवारों के बीच से होकर अग्रसेन भवन पहुंची। इससे पूर्व भवन में सामूहिक आरती समाज के लोगों द्वारा की गई, अतिथि सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मंच पर पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश महामंत्री राकेश अग्रवाल, युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अमित नागौरी, जिलाध्यक्ष कैलाश चौधरी, समाज अध्यक्ष माणक राव, मंत्री महावीर बगड़िया, महिला जिलाध्यक्ष ललिता रामगढ़िया, जिला प्रभारी निर्मला कसेरा व पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप चौधरी रहे। वहीं अतिथियों का सम्मान शाल साफा माला पहनाकर प्रतीक चिन्ह प्रदान करके किया गया। समारोह में संदीप कुमार मंगलोनिया को प्रदेश की युवा इकाई में पदासीन करने की घोषणा की गई। अतिथि राकेश अग्रवाल ने बताया कि अग्रोहा में भव्य आद्य महालक्ष्मी जी के मंदिर का निर्माण करीब 500 करोड़ रुपए की राशि से होना है। ऐसे में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस मंदिर से जोड़ने के लिए 6 रथ घूमकर मंदिर निर्माण के लिए जन सहयोग हेतु यात्रा निकाल रहे हैं। सब जगह उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश सह सचिव मुरारी फतेह पूरिया ने किया। इस अवसर पर गिशुलाल मिरनका, अजीत तोदी, श्याम मोदी, हरि तोदी, मानक सिंह खेतान, विजय खेतान, सुभाष बेदी, विजय कुमार गोयल, संदीप मंगलोनिया, सुबीर तोदी, नवरतन भेबराज का, कमल सोबासरिया, मनोज मोदी, अरविंद जालान, जितेंद्र सराफ, अनु तोदी, संजना जालान, राखी तोदी, सुमन जाजोदिया, संतोष बगड़िया, निशा खेतान, सलोचना अग्रवाल, किरण कंदोई, हेमलता अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। रथ यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा करके व आरती करके भव्य अभिनंदन लोगों द्वारा किया गया। प्रदेश मंत्री राकेश अग्रवाल ने बताया कि जगह जगह इसी प्रकार से यात्रा के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। आद्य महालक्ष्मी की रथ यात्रा अग्रवाल से 23 अगस्त को प्रारंभ हुई और करीब यूँ समझिए 25 जनवरी के आसपास गंगानगर से इसका समापन होगा। पश्चिमी राजस्थान के 18 जिलों में हर जिले गाँव और ढाणी में होती हुई यात्रा अग्रोहा में पहुंचकर समाप्त होगी। इसका मुख्य उद्देश्य अग्रवाल समाज को एकजुट कर जागृत करना है। जितने भी हमारे बिखरे अग्रवाल या उनके परिवार हैं उनको एक मंच पर लाकर समाज और देश हित में काम करना, ये हमारा अग्रवाल समाज का शुरू से बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। महालक्ष्मी जी के इस प्रकार से अभिनंदन है, क्या कहेंगे? बहुत काबिले तारीफ। हमारा चुरू के अंदर पहला शुरुआत है, यहाँ का शुभारंभ जो है सुजानगढ़ से हो रहा है और इसका जो समापन है वो रतनगढ़ से होगा और बहुत ही लोगों में उत्साह है। आप देख रहे हैं गाजा बाजे बज रहे हैं, महिलाएं चुनड़ में होके आ रही है, स्वागत सत्कार हो रहे हैं, आरती पूजा हो रही है महालक्ष्मी की। इससे बड़ा और कोई स्वागत सत्कार नहीं हो सकता। सुजानगढ़ के अशोक स्तंभ के पास स्थित केजरीवाल पेट्रोल पंप के सामने करीब 1.5 माह से पानी की लीकेज लाइन आम लोगों के लिए समस्या बनी हुई है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किए जाने से लोग परेशान हैं। वहीं मनीष अग्रवाल ने बताया कि 3-4 लोगों द्वारा इस समस्या की शिकायत किए जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले नंद किशोर प्रजापत ने बताया कि इस बारे में 181 नंबर पर बार बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक न तो कोई अधिकारी मौके पर आया, न ही कोई कर्मचारी मौके पर आया। उल्टा रोज वापस हमें ही हेल्पलाइन से समस्या समाधान हो जाने की जानकारी देते हुए फोन आता है, जो गलत है। जबकि पानी की सप्लाई खोले जाने के दौरान रोज सैकड़ों लीटर पेयजल की बर्बादी यहाँ पर होती रहती है और लोग परेशान होते रहते हैं। नंद किशोर प्रजापति ने बताया कि हमारी मांग है कि इस लीकेज को निकाल कर व्यर्थ पेयजल बह जाने से रोक कर समस्या का स्थायी निवारण किया जाए। हमने वो 181 पर इसकी 2-3 बार कंप्लेंट करा दी है पानी को वाटर वर्क्स पे 181 पर, लेकिन वो उनका वापस फोन आता है कि इसको लीकेज ठीक हो गया, आप इससे संतुष्ट है क्या? लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है, न तो वाटर वर्क से आया, न कोई अधिकारी आके चेक किया। और यहाँ पे हजारों लीटर डेली का वेस्ट पानी हो रहा है और हमारे पंप के सामने 24 घंटे कीचड़ बना रहता है। प्लस यहाँ पे जो पंप पे पेट्रोल डीजल लेने के लिए गाड़ी आती है वो पब्लिक परेशान है और आने वाले टाइम में अंदर ही अंदर ये खोखला हो रहा है और बड़ा हादसा होने की संभावना है। अब क्या मांग आप लोगों की? हमारा तो ये है कि इसको जल्द से जल्द लीकेज को सही कराया जाए, नहीं तो बड़ा हादसा होने की आशंका है। प्रशासन को चेत नहीं रहा आज तक। सुजानगढ़ के निकटवर्ती बिदासर कस्बे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना मजदूरों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसको लेकर शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले महिला श्रमिकों ने
रोजगार की सौगात देने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। इस दौरान महिला श्रमिकों ने बताया कि वो पूरे घर परिवार का काम छोड़कर सुबह से शाम तक काम करती हैं, लेकिन राज्य सरकार की निर्धारित रेट के अनुसार मजदूरी उन्हें नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनके परिवार का गुजारा काफ़ी मुश्किल से हो रहा है, इसलिए श्रमिकों की मजदूरी को बढ़ाया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना के दौरान काम करने वाली अशिक्षित महिलाओं को उनके मेट लालचंद गहलोत द्वारा लंच के समय में साक्षर बनाने का काम भी किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को रोजगार के साथ साथ साक्षर होने की सुविधा भी मिल रही है। वहीं मनरेगा श्रमिकों की तरह इन श्रमिकों द्वारा भी शहर में साफ सफाई, तलाई खुदाई, जल संरक्षण संस्था को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। 260 की बात करिए, हमारे खाते में 160 आ रहा है और सुबह 9 बजे आते हैं, हम शाम के 4 बजे जाते हैं, फिर भी पगार तोड़ी आती है, माटी खूब नागते हैं। हम सरकार की योजना पे बात करें तो हमारी पगार पूरी आनी चाहिए खाते के अंदर में, और काम आप चाहो तो इतना काम ले सकते हो। और नगर पालिका मना के लगा था 260 पूरा खत्ता का मान रही बीमार है, कोने 160-165 है तो बात की है, जिकी पूरी करनी भी चाहिए जानी, मजदूरा सागर बेमनी नहीं करनी चाहिए। और इतनी माटी में खोदा है, 20 माटी को खोद भी कौन सका है, और इतनी मेहनत तो काम कर, सुबह 9 बजे तो 4 बजे तक घर जा, मैंने 5 बजे हुए, 5 बजे कर काम तो अभी पैसा पूरा को नहीं हुआ, तो हम के साथ ये बांधना खत्म पूरा पैसा आना चाहिए। अट मुख्यमंत्री का काम चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सुबह 9 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे छुट्टी करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे मिट्टी तो बहुत काटते हैं लेकिन हमारी पगार बहुत ही कम आती है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाइए, यही हमारा कहना है। मेरी समझ में और मेरे ज्ञान के अनुसार मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहली ऐसी योजना है जो धरातल पर 100% काम कर रही है, और इससे विद्यासर क्षेत्र के लगभग 400-500 मजदूरों को काम मिल रहा है। यहाँ हमने जैसे राज्य सरकार के ये शहरी नरेगा योजना में जो 100 दिन का कार्यकाल होता है महिला श्रमिक का, उसमें अधिकांश हमने देखा है कि ये महिला निरक्षर है, और निरक्षरता के चलते ई मित्र में अंगूठा नहीं आने के कारण और बैंकों में चक्कर काटती है, और साक्षर नहीं होने के कारण इनको पर्ची भरना इनके लिए एक मुश्किल बन जाता है, और इस इन सब परिस्थितियों को देखते हुए और इन महिला श्रमिक जो है उनकी भी मेरे प्रति ये रहा कि भी हमें साक्षर किया जाए जो 1 घंटे का टाइम मिलता है लंच का उस दौरान, क्योंकि थोड़ी देर तो खाने पीने में लग जाती है, तो ऐसे में उस समय का हम सदुपयोग करते हुए और इनको साक्षर करने का प्रयास कर रहे हैं, और सरकार की जो योजना है उसका 100% लाभ मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री की योजना जो इनको इनका जो रोजगार है उस रोजगार के साथ साथ मेट की पहल से इनको साक्षरता का लाभ भी।